आई होप एवरी वन इज़ डूंग गुड सो वी आर हेयर अगेन विद यकेंड चैप्टर एज यू नो हमने चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड वी हैव कम्पलीटेड इट ऑल एंड वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट फोर्टी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट ठीक है सो एज यू नो बिफोर स्टार्टिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले थे जो आज हम शुरू करेंगे मैंने पहले ही कहा था आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा सो दैट यू आर एबल टू आंसर इट हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे नंबर वाइज की जैसे उसमें मेंशन किया गया है अबाउट द क्लासिफिकेशन फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन हैं हम उसी तरह आपके क्वेश्चन हैं कि आपके लिए एक टॉपिक वाइज आपकी कवरेज हो जाए राइट कि हम टॉपिक वाइज आपका हर एक टॉपिक कवर कर सकें ठीक है अगर हम सिंपली चलेंगे तो क्लासिफिकेशन क्या है मैंने वही कहा है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है बेसिकली अरेंजमेंट है किसकी है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज़म्स इन टू ग्रुप्स मतलब ग्रुप्स में उसको डाला गया है ठीक है जिसको हमने ये भी पढ़ा था जो पहले चैप्टर में पढ़ा भी है दैट इज टेक्सा टैक्सॉनमी हमने पढ़ा है ना कि जिसमें उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को रिफ्लेक्ट आउट किया जाता है ठीक है अब हमने उसमें सिस्टमैटिक भी स्टडी पढ़ी उनके कैरेक्टर्स पढ़े किंगडम पढ़ा था मैंने आपको पढ़ा उसमें किंगडम फाइलम ऑर्डर क्लास ये चीजें हमने पढ़ी थी राइट इन द फर्स्ट चैप्टर अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं आप यहाँ पे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है बिफोर स्टार्टिंग इट लेट्स पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दूं कि इस चैप्टर में आने क्या वाला है कि एटलीस्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ऑब्वियस है पर उसके रिलेटेड ही हम स्टेप वाइज चलेंगे पहले तो पहले तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाती है राइट right? अब पहले हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की दी गई थी सबसे पहले अगर हम चलें तो हमें ये पता होना चाहिए जो पहला अटैम्प्ट किया था अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहला अटैम्प्ट जो दिया गया था क्लासीफाई करने के लिए वो एरिस्टोटल ने किया था किसने किया था एरिस्टोटल ने किया था और जिसको फादर ऑफ जुआलॉजी भी कहा जाता है ठीक है अब इन्होंने बेसिकली एनिमल्स को क्लासिफाई किया था दो ग्रुप्स में जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है मतलब जिनके ऊपर आपको क्वेश्चनस भी हैं फिर उसमें टू किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आई फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई वैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया पहले हम क्लासीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो क्लासिफिकेशन है उसके अंडर जो भी क्लासिफिकेशन होगी दैट इज़ मोनेरा प्रोटिस्टा गया फंजाई के बारे में इनको डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है ना तो ये चीजें हैं इन्हीं के रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे पर बिफोर दैट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट मैं आपको पिक्चर्स शो करूंगी आपके ऑलरेडी बुक्स में होगा यू कैन हैव अ स्क्रीन शॉट एज वेल सो लेट स्टार्ट विद इट सो योर फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन जिसका मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ अब आ गया पहले था दो किंगडम आया जो लीनियस ने दे दिया था हमने ऑलरेडी पढ़ लिया प्लांट है एनिमेलिया विल गो जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे सो दैट वी कैन मूव टू एम सी क्यूज ठीक है एक ब्रीफ दिया जाएगा थ्री किंगडम अर्नेस्ट हेकल ने दिया था अबाउट प्रोटेस्टा प्लांट या एनिमिलिया में डिवाइड किया फिर एक क्लासिफिकेशन आई फोर किंगडम की जो एच एफ कोपलैंड ने दिया मोनेरा प्रोटेस्टा मेटाफाइडा एंड मेटाजोआ में ठीक है <coughs> फिर आपकी थ्री डोमेन आई जो कार्ल वूज ने दिया था बैक्टीरिया आरके एंड यूकेरियोटा में ठीक है लास्ट फाइव किंगडम जो रॉबर्ट विट ने दिया था हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं और बोला जाता है कि फ़ाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है दैट इज़ गिवन बाय रॉबर्ट विट उसने डिवाइड किया अबाउट द मोनेरा में प्रोटेस्टा फंजाए प्लांटे एंड एनिमेलिया ठीक है अब इन्हीं पाँच के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है इन्हीं पांच के बारे में ये होगा कि ये जो पांच क्लासिफिकेशंस हैं इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं एंड इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो अगर आपको इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होगी तो इट विल बी इजी फॉर यू फाइन तो आई होप आई एम क्लियर विद इट ठीक है लेट्स मूव टू स्लाइड अब आ गया तुम्हारा किंगडम मोनेरा ठीक है अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे वही है कि मोनेरा डिवाइडेड यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया में अब तुम्हें यू बैक्टीरिया की बारे में पता होना चाहिए कि आर की बैक्टीरिया क्या है फिर वो आर की बैक्टीरिया आगे तीन में डिवाइडेड है दैट इज़ हेलोफाइल्स थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथिनोजेंस इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं यू शुड नो अबाउट दैट फिर यू बैक्टीरिया जो है वो किन में डिवाइडेड है अबाउट about... <coughs> ब्रिक्टेसिया में एक्टिनोमाइसिड्स बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे दिस इज किंगडम मोनेरा सबसे पहला मोनेरा आता है देन वी टॉक्ट अबाउट नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा ठीक है अब जो प्रोटिस्टा होता है सॉरी प्रोटिस्टा से पहले बैक्टीरिया के बारे में भी कुछ डिटेल्स बताई गई हैं आपको पता होनी चाहिए उसकी शेप कैसे होता है अबाउट द फ्लैजिला न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हिटिरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में उसकी रेस्पायरेशन उसकी स्टेनिंग टेक्निक इवन जो पॉजिटिव होता है ग्राम पॉजिटिव क्या होता है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं यू शुड नो अबाउट दैट देन उसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है ठीक है ये कुछ डिटेल्स हैं यू शुड नो अबाउट इट ठीक है नेक्स्ट चलते हैं रिप्रोडक्शन कॉन्जुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है ठीक है नाउ नेक्स्ट आ गया आपका प्रोटिस्टा हम हाँ प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे ठीक है दैट इज़ क्रिसोफाइटा ठीक है फिर डिनोफ्लैजिलेटा यूगलेनोइड स्लाइम मोल्ड्स आ गए इनके क्या क्या होते हैं क्या फीचर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए ठीक है ये भी प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स पढ़ेंगे कि वो यूनिसेलुलर हैं अमीबा ट्रिपनोजोमा पेरमोशियम प्लाज्मोडियम इन सब के बारे में ये प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं किंगडम ठीक है नेक्स्ट इज़ फंजाइब किंगडम फंजाई के अंदर हम पढ़ेंगे दिस इज जो फाइकोमाइसीड्स एस्कोमाइसीड्स बेसिडोमाइसीड्स ड्यूट्रोमाइसीड्स ये सब पढ़ा जाएगा ठीक है तो ये चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं इसके अंदर ठीक है अगर आप ये चीज़ें भी याद रख लेंगे एक आपको नोट्स के लिए इट विल बी वेरी गुड फॉर यू ओके नेक्स्ट इज प्लांटे एंड एनमेलिया जो हमने तीन तो इसमें डिस्कस करेंगे पर प्लांटे एंड एनिमिलिया पे आपका एनिमल किंगडम और प्लांटे जो किंगडम है वो अलग से है वो आपका चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर है ठीक है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक वाइड वैरायटी है ठीक है तो इसमें हम तीन क्वेश्चंस आपके उसी में घूमते रहेंगे ठीक है विल टॉक अबाउट द इवन वायरसेस के बारे में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में वायरसेस के बारे में भी डिस्कस किया गया है सो यू विल हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू वायरस ऑल्सो ओके ओके आई होप आई एम क्लियर विद दिस ठीक है तो आज हमने उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है तो हम एक नंबर वाइज ही चलेंगे फाइन सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एरिस्टोटल क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर जो एरिस्टोटल था उसने किस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था ए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्ट्रिस्टिक बी सेल्वॉल सी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और डी मेथड ऑफ़ रिप्रोडक्शन वॉट इज योर आंसर ठीक है तो आपका आंसर है दैट इज ए दैट इज मोफोलॉजिकल करेक्ट्रिस्टिक्स मतलब जो बाहर के करेक्ट्रिस्टिक्स उसको दिख रहे थे उसी के बेसिस पे जो एरिस्टोटल था उसने डिवाइड कर दिया हमने ऑलरेडी हमें पता रहा है कि जो एरिस्टोटल है वो क्या है फादर ऑफ जूलॉजी है जैसे हमने पढ़ा है ठीक है उसने क्या किया दो मेन ग्रुप बनाए एक बनाया इनीमिया एक बनाया इीमिया ठीक है एक था जिसमें वर्टिब्रेट्स थे और एक था जिसमें इनवर्टिब्रेट्स मतलब कोई वर्टिब्रेट नहीं था उसके बेसिस पे या देखा जाता था कि जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं और जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं हैं नो आरबीसी ठीक है no RBCs, तो उसके बेसिस पे उसने डिवीजन की हुई थी मतलब आ, उनके एक बार की लुक्स की वजह से उनकी जो इंटरनल चीज़ें उन पर डिवीज़न नहीं की थी तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन की थी वो सिर्फ मोफोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स देखे गए थे ठीक है कि वो कैसे रहते हैं एक्वेटिक एरियल या टेरिस्ट्रियल लाइफ में उसके बेसिस पे किया था फाइन सो ए इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज एरिस्टॉटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एरिस्टॉटल ने एक एनिमल्स की भी क्लासिफिकेशन की थी और एक प्लांट्स की भी की है तो वो किस पे बेस्ड है ए साइज बी फ्लारिंग और नॉन फ्लारिंग सी नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट और डी टाइप्स ऑफ रूट दे हैवे तो योर करेक्ट आंसर इज ए साइज ठीक है जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जो उन्होंने की थी ठीक है वो की थी ऑन द साइज इन टू हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज कि उनके साइजेस कैसे हैं मतलब एक बाहर का फीचर ही देखा एरिस्टोटल ने ठीक है तो साइज के बेस पे की थी कि उसका बाहर से साइज कैसे है जैसे हर्ब्स हो गए आपके वीट एंड पेडी ठीक है श्रब्स तुम्हारे हो गए जैसे रोज एंड जामीन ट्रीज तुम्हारे हो गए जैसे बनियान ट्री एंड वट यू कैन से लाइक बनाना ट्री ठीक है और इसने जो क्लासिफिकेशन की थी एनिमल्स की वो की थी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है मैंने कहा था ना एक होता है एनेमिया और दूसरा होता है इनेमिया ठीक है तो उसके बेसिस पे किया था फाइन सो ए साइज इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन कंटेन्ड फाइव किंगडम्स थ्री किंगडम्स टू किंगडम्स और फोर किंगडम्स तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है सी दैट इज़ टू किंगडम्स वही है एरिस्टोटल ने दो ही बनाई थी एक बनाई थी प्लांट्स की और एक बनाया था एनिमल्स की ठीक है एनिमल्स का मैंने बता दिया ना एक रेड आर कंटेन करेगा और एक में आर नहीं होता था ठीक है एक उस पर डिवीजन की थी और प्लांट्स में की थी ऑन द बेसिस ऑफ हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज दैट इज द मोफोलॉजिकल फीचर फाइट सो टू किंगडम्स में डिवाइड किया था एरिस्टोटल ने सो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अब आपको चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ए एरिस्टोटल क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू फाइव किंगडम ठीक है बी अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन हेल्पड इन क्लासिफाइंग एवरी ऑर्गेनिज्म सी It didn't consider the cell structure of the organism. So, which of the following statements are correct? Aristotle classified the organisms into five kingdoms. Aristotle's classification helped in classifying every organism. C. It didn't consider the cell structure of the organism. Or D. It considered the method of reproduction of an organism. तो आपका सही आंसर है सी उसने कंसीडर नहीं किया था सेल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज़ ट्रू ठीक है क्योंकि जो एरिस्टोटल है उसने पहली बार दो किंगडम्स में डिवाइड किया था जिसके बारे में हम डिस्कशन कर सके कर चुके हैं दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है animals, उसने ये फर्दर क्लासिफिकेशन की ही नहीं थी जैसे बैक्टीरिया फंजाए वायरसेस प्रोटिस्टा ये कुछ किया ही नहीं था दूसरी बार इट डिट एट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट इज ट्रू ठीक है ना ये आ, सच बात है कि उसने कंसिडर नहीं किया था और ना ही इट कंसिडर द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओके और दूसरा बोला है कि इट कंसिडर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म उसने मेथड लिया ही नहीं था तो ये गलत हो गया उसकी क्लासिफिकेशन ने हेल्प किया इन क्लासिफाइंग एवरी ऑर्गेनिज्म नहीं उसने जैसे बैक्टीरिया फंजाई वायरस को किया ही नहीं क्लासिफाई और उसकी पांच किंगडम सी नहीं थी हमने पहले डिस्कस किए दो किंगडम थी दैट इज ऑल्सो फॉल्स एक ही करेक्ट है कि इट डिडेंट कंसिडर द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्योंकि उसने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे थे तो इसलिए सी इज योर करेक्ट आंसर ये थोड़ा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन बट यू शुड नो अबाउट इट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिनियस दैट इज कॉलिस नियस क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन ये तुमने कल भी पढ़ा था That is, ये पहले चैप्टर के रिलेटेड ही है एवरी वन शुड नो दोकेरियोड्स एंड यू के नॉन बैक्टीरिया और डी प्लांटे एंड एनिमेलिया ठीक है सो य करेक्ट आंसर इज सबको पता है डी प्लांटे और एनिमेलिया में क्या था लिनियस ने एरिस्टोटल का तुम्हें पता है किस में क्या था प्लांट्स एंड एनिमल्स में ठीक है और विट टेकर ने क्या क्या दिया था यह हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसने पांच दी थी ठीक है जिसमें आपका आ गया प्लांटे एनिमेलिया, फंजाए प्रोटेस्टा एंड मोनेरा ठीक है पांच चीजें दी गई हैं फाइन चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन लीनियस क्लासिफाइड अमीबा अंडर अब लीनियस ने क्लासिफाई किया था जो अमीबा को किसके अंडर रखा था प्रोटेस्टा एनिमेलिया मोनेरा और प्लांटे ठीक है इट इज वेरी सिंपल योर करेक्ट आंसर इज बी अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि लीनियस ने तो दो ही क्लासिफिकेशन दी थी एक प्लांट्स की एक एनिमल्स की सिंपल अब जब उसने दी ही दो क्लासिफिकेशंस थी या तो अमीबा एनिमल्स के अंडर होगा या तो प्लांट के अंदर ठीक है तो तुम्हारे पास सिर्फ ये दो ऑप्शन बचे अब किसके अंदर अमीबा जो है एक ऑर्गेनिज्म है ठीक है सो so ऑब्वियसली उसने उसको एनिमल के एनीमेलिया के अंडर रखा था क्योंकि उसने कुछ भी कंसिडर नहीं किया था कि स्ट्रक्चर या नेचर कैसा होना चाहिए सेल वॉल का या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होनी चाहिए तो इसको इसलिए एनिमेलिया के अंडर रखा गया था तो बी इज योर करेक्ट आंसर फाइन तो एक और आ सकता है क्वेश्चन कि एक एरिस्टोटल है ठीक है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्लोरेला कम्स अंडर द अंडर विच कैटेगरी ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि जो एरिस्टोटल ने एक और क्वेश्चन इससे निकल जाता है कि जो एरिस्टोटल ने जो क्लोरेला है ठीक है उसको किसकी कैटेगरी के अंडर रखा था उसको प्लांटे की कैटेगरी के अंडर रखा गया था ठीक है सो यू शुड नो दिस ओके लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन इन विट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑल द प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर ए मोनेरा बी प्रोटेस्टा सी फंजाए और डी एनिमेलिया करेक्ट आंसर इज ए मोनेरा क्या है ए मोनेरा है तो बेसिकली जो विटेकर की फाइव ना ऑल द प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के होते हैं वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता मोस्टली सिंपल सेल्स होते हैं और या इनको हम कह सकते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं ठीक है तो जितने भी प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनका न्यूक्लियस नहीं है ठीक है वो सेल्स को हम अंडर रखते हैं मोनेरा कैटेगरी में यू शुड टू यू शुड नो अबाउट इट ठीक है किस कैटेगरी में रखते हैं मोनेरा कैटेगरी में रखते हैं फाइन सो इज योर करेक्ट आंसर और जितने भी तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है उनको हम रखते हैं प्रोटेस्टा के अंडर ठीक है फनजाए एक तुम्हारी अलग सी किंगडम बन जाती है बेसिकली जो विट टेकर है उसने नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इंक्लूड किए क्या इंक्लूड किया स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इंक्लूड किए जबकि हमने देखा जो एरिस्टोटल था या लीनियस था उसने स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को इंक्लूड ही नहीं किया था उसने मोफोलॉजिकल फीचर्स को ही इंक्लूड करके एक कैटेगरी बना दी थी जबकि विट टेकर ने कंसिडर किया फाइन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्वॉल इन फंजाई इज मेडअप ऑफ किसकी बनी होती है ठीक है सेल इट इज मेडअप ऑफ चिटिन cellulose, एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स काइटिन कहा जाता है कुछ चिटिन बोलते हैं सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ इट ठीक है so सो वॉट इज द करेक्ट आंसर यो करेक्ट आंसर इज ए काइटन और चिटन ठीक है तो बेसिकली जो आपकी फंगल सेल की वॉल है वो किसकी बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेराइड्स की किसकी बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेराइड्स की ठीक है और ये जो चिटन uh, या काइटन है बेसिकली ये क्या Tough sugar complex है टफ शूगर कॉम्प्लेक्स है ठीक है तो जो तुम्हारी सेल वॉल बनी होती है फंजाई की वो किसकी बनी होती है काइटिन की ठीक है और प्लांट्स में किसकी बनी होती है सेल वॉल ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलस की बनी होती है किसकी बनी होती है सेलुलस की फाइन चले आगे नाइन्थ क्वेश्चन पे क्लाइमोडोमनास इज ग्रुप्ड अंडर ए मोनेरा बी प्रोटेस्टा सी प्लांटे और डी फंजाई क्लाइमोडोमनास इज ग्रुप्ड अंडर किसके अंडर ग्रुप किया गया है ठीक है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा योर करेक्ट आंसर इज बी प्रोटेस्टा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके अंडर रखे गए थे के अंडर मैंने अभी डिस्कस भी किया तो जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ठीक है तो उसको हमने प्रोटेस्टा कैटेगरी के अंडर रखा गया है फाइन सो बी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग डोंट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा ऐसा है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता ये ऊपर ही हमने अभी डिस्कस किया यहीं से वैसे सबको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने अभी बताया आपको एक एक पॉइंट ए मोनेरा बी प्रोटेस्टा सी फंजाई और डी एनिमेलिया ठीक है तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ए मोनेरा ठीक है अगर तुम्हें याद होगा मैंने अभी बोला कि एक मोनेरा के है प्रोकैरियोट है प्रोकैरियोट क्या होता है जिसमें सेल जो सेल uh, है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता इट इज विदाउट द न्यूक्लियस है ना तो ये मोनेरा किंगडम है प्रोटेस्टा के अंडर होता है दैट इज असलर ऑर्गेनिज्म राइट इसमें नहीं होता है इसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो एबसेंट होता है क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एबसेंट होता है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता लाइक एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं जैसे ऑर्गनज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गियापैरिटिस क्लोरोप्लास्ट ये सब मिसिंग होते हैं सो दे आर कंसिडर एज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ठीक है जिनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है सेलुलस की किसकी बनी होती है सिल्लस की एंड इट इज विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यू नीड टू रिमेंबर दिस कुछ फीचर्स है अगर आप याद नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट इट सो आपके इसको इंडिविजुअल फीचर्स आपको याद करने पड़ेंगे सो ए मोनेरा इज वन ऑफ दैट ए इज योर करेक्ट आंसर चले आगे ऑल द हिटीरो प्लांट्स आर कैटेगराइज अंडर सिंपल बात है किसके अंदर आएंगे प्रोटेस्टा फंजाए मोनेरा और प्लांटे ये तो सबको पता होना चाहिए सो so, तुम्हारे जो हिटीरोट्रिफिक प्लांट्स हैं वो किसके अंडर आते हैं बी फंजाई के अंडर किसके अंडर बी फंजाई के अंदर क्योंकि ये क्या होते हैं जो फंजाए हैं है, है, ये हिटीरोट्रॉफिक हैं मल्टी सेलुलर होते हैं ठीक है फीचर्स हैं ठीक है यू केरियोटिक होते हैं ठीक है एंड दे आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम फंजाई के अंडर ये सब आते हैं एंड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है दैट इज सेप्रोफिटिक मतलब ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं फ्रॉम द डे ऑर्गेनिक मैटर ठीक है सो सारे जो हिटीरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं उनको हम फंजाई के अंडर रखते हैं फाइन जैसे तुम्हारे मशरूम्स आ गए एग्जाम्पल में दे ऑल इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंजाई ओनली दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ठीक है तो चलते हैं आगे ट्वेल्थ क्वेश्चन विच अमंग द दॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट अब आपको इसमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट क्या है A. Whittaker's classification managed to consider cell structure, nature of the cell wall, mode of nutrition, and method of reproduction. B. In two kingdom classification, all the fungi and algae are forcefully made to join animalia. C. Whittaker classification is polyphyletic and so fail to group similar organisms un under the same kingdom. Whittaker classification didn't include viruses. Which is your correct answer? Okay. करेक्ट आंसर इज बी इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो फंजाए और एल्गी हैं उनको ज्वाइन करवाया गया था प्लांटे का किंगडम ना कि एनिमेलिया का एक एक वर्ड से आपका पूरा आंसर चेंज हो सकता है बाकी चीजें करेक्ट है विटेकर एक ऐसा था फाइव किंगडम था जिसने सेल वॉल मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को इंक्लूड किया ठीक है विटेकर ने ही <coughs> इस uh, uh, जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो वो पॉलीफाइलेटिक है सो so, उसकी जो वो फेल हो गया था कि वो ग्रुप कर सके सिमिलर ऑर्गेनिज्म इन द सेम किंगडम ठीक है और उसने वायरसेस इंक्लूड नहीं किए बेसिकली अगर आपको पांच विट की क्लासिफिकेशन पता होंगी तो यू विल नो इट ठीक है पर एक चीज़ है उसमें क्या था कि टू किंगडम जो क्लासीफिकेशन थी उसमें जो फंजाए और एल्गे था देव फोसवे ली मेटु जॉइनर एनिमलिया नहीं उनको प्लांटेड ग्रुप में ज्वाइन करवाया था सो बी इज योर करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट चले 13th क्वेश्चन प्लांटेड कंसिस्ट ऑफ ए प्रोकैरियोट्स बी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और डी हेटेरोट्रोफ्स प्लांटेड क्या कंसिस्ट करते हैं C, जो करेक्ट आंसर इज सी मल्टी सेल्यूअर ऑर्गेनिजम्स ठीक है जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है यू कैरियो है ठीक है प्लीज ये जो टर्म्स हैं प्रो यूकैरियोट्स यू कैरियॉर्स मल्टी ये टर्म्स यू टू रिमेंबर ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ठीक है जो प्लांटे हैं वो यू कैरियोड्स है मल्टी और क्या है ऑटोट्रॉफिक है ठीक है दैट इज जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब उसमें मल्टीपल सेल्स होंगे उन वो कंटेन करते हैं मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स ठीक है और वो अपना खाना भी खुद बनाते हैं यूकैरियोट्स क्या हो गया मतलब उसका मतलब हुआ कि उनकी अपनी मेम्ब्रेनस सेल वॉल होती है और ऑर्गेनल्स होते हैं जबकि यू में नहीं था गोल्गिय पैरिटिस ये चीजें उसके पास नहीं थी जबकि इसके पास होती हैं यू नीड टू रिमेंबर द डिफरेंस ऑल्सो तो आपका होमवर्क ये भी है कि आपको प्रो और यू के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आते हैं ये भी पता होना चाहिए ओके सो योर करेक्ट आंसर इज सी मल्टी सेलोअर ऑर्गेनिजम्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन डूनालीला सेलीना बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ए हेलोफाइल्स बी थर्मोफाइल्स सी हाइड्रोफाइल्स और डी मिथेनोजेंस देखिए एक तो टर्म ऐसी है ऊपर से जो नाम है आपको जो बेसिकली एग्जाम्प इनके जो ऑप्शन <coughs> दिए हुए हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना तो इसमें आपको ऑप्शन क्या दिए वो भी ध्यान से रखिए कि जुन सेलिना बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सो इज योर करेक्ट आंसर दैट इज हेलोफाइल्स ठीक है जो हेलोफाइल्स हैं क्या पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है हेलोफाइल्स क्या हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं और जो थ्राइव मतलब जो जिंदा रह सकते हैं हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में किस में रह सकते हैं हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में तो उसका एग्जाम्पल क्या है ड्यूनलीला सेलिना ये हेलोफाइल्स हैं जो मतलब हाई कंसनट्रेटेड सॉल्ट में रह सकते हैं ठीक है जो थर्मोफाइल्स वो होते हैं ऑर्गेनिज़म्स जो हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं किस में रह सकते हैं हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं और मिथेनोजेंस होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं किसकी मिथेन की क्या करते हैं मिथेन की प्रोडक्शन करेंगे चले सो ए इज यो करेक्ट आंसर नेक्स्ट मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन ए माउथ ऑफ काउ गट्स ऑफ काउ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ काओ और रिब्स ऑफ काउ कहाँ प्रेजेंट होता है अभी हमने पढ़ा है कि कहाँ होता है मिथनोजेंस क्या होता है मिथेन की प्रोडक्शन करते हैं जो ठीक है तो वो कहाँ होती है दैट इज बी गट्स ऑफ काउ में ठीक है बेसिकली जो गट्स ऑफ विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए यूज किया जाता है टू मेक द बायोगैस फ्रॉम द डंग ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अब बैक्टीरिया की बात आ गई है तो आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस बिकॉज ऑफ द कंप्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडी फैक्ट दैट दे आर द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ दे हैव और मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ठीक है तो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज सी द रिजिड सेल वॉल जो आर की बैक्टीरिया है ना ठीक है वो हार्श हैबिटेट में भी रह जाते हैं जैसे हेलोफाइल्स हो मतलब जहां पे हाई कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की या थर्मोफाइल की सिचुएशन हो ये हर एक सिचुएशन में रह जाती है क्यों क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है बहुत रिजिड है क्योंकि वो प्रोटीन की बनी होती है किसकी बनी होती है थर्मोस्टेबल प्रोटीन की बनी होती है जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है दे आर एबल टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस फाइन सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर

केमिकल एनर्जी बायो और थर्मल एनर्जी फ्रॉम द नेम इट सेल्फ ये आपको बता रहा है ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा सबको ही पता है दैट इज बी केमिकल कीमो का मतलब ही केमिकल है तो बेसिकली क्या होता है ये जो अपना खाना बनाते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं जैसे मोस्टली किसकी होती है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की ठीक है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है या मिथेन विद ऑक्सीजन उससे ये अपना खाना बनाते हैं ठीक है थीके? अब हमें पता ही है जो बैक्टीरिया वो अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जैसे फोटोसिंथेटिक हो जाता है कीमोसिंथेटिक होता है सेप्रोफिटिक होता है एंड पैरासिटिक होता है तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो बैक्टीरिया अडाप्ट करता है ठीक है और जो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं वो केमिकल एनर्जी के थ्रू अपना खाना बनाते हैं सो बी इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं नेक्स्ट विच एम अंग द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट साइनो बैक्टीरिया अब आपको उनके करेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू तो एटींथ क्या कहता है द वर्ड साइनो मीन्स ग्रीनिश ब्लू बिकॉज ऑफ विच साइनो बैक्टीरिया कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल गे सेकेंड द कलर ऑफ साइन बैक्टीरिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सी साइनोबैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और डी साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन इनरिचिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द एटमोसफेयर सो कौन सा इनकरेक्ट है सी देखो जो वर्ड जो साइनोबैक्टीरिया है वो ना उसमें पहली बात क्लोरोफिल होता है ठीक है कि जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है तो ये तो करेक्ट है ठीक है दूसरी बात उसने बोला जो साइनो वर्ड है साइनोबैक्टीरिया में वो ब्लू ग्रीन एल्ग्ली के ही रिप्रेजेंट करता है सो ये भी करेक्ट हो गया दूसरा ये कि हेल्प करते इन इन रिचिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द एटमोसफेयर ये भी ट्रू है उसके बारे में ठीक है सो एक यही गलत है दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नहीं है वो फाइन सो सी इज योर करेक्ट आंसर यही एक चीज है जो गलत बोली गई है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं ओके नेक्स्ट हैंस क्या अडोप्ट करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिटीरोट्रॉफिक सेप्रोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक ये भी मतलब पता होने चाहिए पैरासिटिक क्या होता है हिटीरोट्रॉफिक क्या होता है सेप्रोफिटिक क्या होता है ऑटोट्रोफिक्रॉफिक uh, क्या होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं सो इट इज विल बी इजी फॉर यू टू आंसर फाइन तो व्हाट इज आंसर बी सीडोमनास एडोप्ट करते हैं हिटीरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है अब पैरासिटिक का तो हमें पता है उनको कहाँ से खाना मिलता है होश से ठीक है हिटीरोट्रॉप को कहा से मिलता है ऑटोट्रॉफ्स से ठीक है सेप्रोफाइट्स को तो कहां uh, से डेड डिकेइंग मैटर से मिलता है और ऑटोट्रॉफ से बनाते हैं लाइट या केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं ठीक है तो जो, जो सीडोमास हैं वो क्या है? हैं हैं फाइन बी इज करेक्ट आंसर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग आर इन करेक्ट अबाउट माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा के बारे में कौन सी चीज गलत है इट इज रिजिड इट हैज रिजिड सेल वॉल it adopts parasitic mode of nutrition it is present in urogenital tract and blood smears and d mycoplasma is the smallest living cell ठीक है तो आपका करेक्ट आंसर क्या है आपका करेक्ट आंसर है ए इट हैज रिजिड सेल वॉल ये इनकरेक्ट है देखो अब पहली बात कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसकी कोई सेल वॉल ही नहीं होती है तो इसलिए पहला ही सेंटेंस तुम्हारा गलत है कि रिजिड सेल वॉल कहाँ से होगी जब उसकी सेल वॉल ही नहीं है ठीक है दूसरी बात जो माइकोप्लाज्म है वो एक पैरासाइट है क्या है वो एक पैरासाइट है जो हमारे यूरोजेनेटल ट्रैक में प्रेजेंट होता है और हमारे ब्लड स्मेयर्स में होता है और सबसे स्मोलॉलिस्ट लिविंग सेल है और इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये डिजीज कॉज कर सकता है ठीक है तो बाकी तीन तो ठीक हैं, पर सेल वॉल हो ही नहीं सकती है क्योंकि वो विदाउट सेल वॉल होता है फाइन <coughs> चलें आगे दो और डिस्कस कर लेते हैं देन विल फिनिश ठीक है ना इकोलाई इज अ रॉड शेप बैक्टीरियम प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन कहाँ प्रेजेंट होता है ठीक है तो ये बेसिकली ये जो होते हैं इकलाए e. ये कहा प्रेजेंट होते हैं डायजेस्टिव ट्रैक दैट इज वार्मेड एनिमल्स में जो हम हैं दैट इज ह्यूमन्स में ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं ये इनडाइजेशन कॉज करते हैं इन द ह्यूमंस क्या कॉज करते हैं इनडाइजेशन कॉज करते हैं ठीक है यू नीड टू रिमेंबर दिस ये मोस्टली इंटेस्टाइन्स में होते हैं और अगर पूछा जाए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहा तो मोस्टली ये इंटेस्टाइन्स में मिलते हैं ठीक है ऐसे ये हार्मलेस होते हैं बट दे कैन कॉज इनडाइजेशन इन सम कंडीशंस फाइन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट

वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर सकते हैं दिस इज ऑल्सो करेक्ट इसमें हिटीरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होता है तो दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट और ये फर्मेंटेशन करते हैं वाइन में हेल्प करते हैं दिस इज ऑल्सो ट्रू ठीक है बेसिकली जो आया, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है सो दिस इज ट्रू तो सी इज योर इनकरेक्ट वो पैरासाइट्स नहीं है उनका हिटीरियो मोड होता है सो इट इज इनकरेक्ट सो सी इज योर करेक्ट आंसर फाइन देखिए आपको एक ही क्वेश्चन से उनके करेक्टरिस्टिक्स ही पता चल जाते हैं सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस ओके तो आज हमने अराउंड ट्वेंटी टू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्लीज अब ये करने से पहले भी यू नीड टू जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक ठीक है ये इक्वल e. आई क्या है बैक्टीरिया के अंडर ग्राम पॉजिटिव क्या है ग्राम नेगेटिव क्या है लेकू इसके अंडर आता है तो इनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए तभी आपको आंसर देने में इजी होगा यू क्या है प्रो क्या है मोनेरा क्या है प्रोटिस्टा क्या है सो यू नीड टू रिमेंबर दैन ठीक है तो तभी हम कल आगे इसको और पढ़ेंगे विल डिस्कस इट टू अगेन हम और क्वेश्चन के साथ आएंगे ठीक है सो मैं आपके चैप्टर वाइज ही चल रही हूँ सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिमेंबर एज वेल ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट विल मीट टू मोरो विद मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गुड डे एंड टेक केयर थैंक यू